आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल 24 यूपी न्यूज, खबर सबसे तेज। आज मैनपुरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक उनके आगरा रोड बाईपास स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पार्टी के प्रमुख महासचिव अखिलेश यादव ने बताया कि आज हमारी कार्यालय पर पहली बैठक थी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आने वाले समय में हमारी पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ काम करेगी, इस पर विचार किया गया। पूछे जाने पर कि पार्टी को जनता का कैसा सपोर्ट मिल रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि जो भी अपेक्षित कार्यकर्ता थे अन्य पार्टियों में, जिन्हें कोई तरजीह नहीं दी गई, वे सभी माननीय शिवपाल यादव सिंह के साथ हैं। आने वाले समय में लखनऊ में होने वाली महारैली में लोगों को दिख जाएगा कि जनता किसके साथ है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बोध सिंह के साथ कई पद अधिकारी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। मैनपुरी से सतेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बनाएंगे और 10 लोगों के बाद जिन्होंने समाजवादी की विचारधारा को बदल दिया, जिन्होंने लोहिया जी के विचारों को बदल दिया, जिन्होंने आदरणीय मिश्र जी के विचारों को बदल दिया, उन साथियों को देखने की आवश्यकता है। वो हम कह रहे नहीं है, मैं भविष्य की बात नहीं करता, मैं बहुत युवा हूँ, अभी नई उम्र है मेरी। मैं चाहता हूँ आज किस तरह की जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह की क्या किस बात को लेकर मीटिंग हुई और क्या मीटिंग में तय किया गया मालूम है? मीटिंग में प्रगतिशील पार्टी समाज पार्टी की जो रूपरेखा है वो बताया गया हमारे पदाधिकारियों को। जिला कार्यकारिणी की मीटिंग थी और कार्यकर्ता बहुत भयंकर जुड़ रहा है। मैनपुरी में तो बहुत उछाल आ रहा है, हर आदमी जुड़ना चाह रहा है और बहुत सैलाब ज़्यादा चल रहा है। प्रगति समाज पार्टी का माननीय शिवपाल जी के साथ बहुत बड़ा सैलाब है, तो हम लोगों ने ये जिला की आज मीटिंग करी है। हर 10 तारीख को मीटिंग हमारी फिक्स हुई है जिलाध्यक्ष महोदय के द्वारा, जो हाईकमान से आदेश मिलता है हम लोग उसी के द्वारा काम करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी गढ़ माना जाता है, उसी में से कट के आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अलग बनी है जी, तो किस तरह आपको कार्यकर्ता का और लोगों का संगठन बनाने में जो बल मिल रहा है, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं? मैं चीज जोड़ रहा है, जो मैं कायदे में तो बात नहीं है, जो प्रैक्टिकल लोग थे, मेहनत करते धरातलब है, उनको नहीं पूछते थे। जो समाज पार्टी में जो लोग पहले मेहनत करते थे वो आसपास घूमते लोग वही पदाधिकारी हुआ करते थे। अब जो जुड़ रहा है, जमीन आदमी जुड़ रहा है, गरीब जुड़ रहा है, किसान जुड़ रहा है, कई ऐसा सभी समाजवादी पार्टी जो आदमी कार्यकर्ता मेहनती था उसको पूछा नहीं गया पार्टी में, वो बेचारा गांव में रहा है। नेता गए, उन्हें पूरा होल्ड कर लिया कि हमारा क्षेत्र है, हम वोट दिलवा लेंगे, लेकिन उनकी कभी वैल्यू नहीं रही। तो माननीय शिवपाल सिंह के द्वारा जो पार्टी बनाई गई है प्रगति समाज पार्टी, उसमें मजदूर किसान गरीब आदमी जुड़ा जा रहा है और जिनका सम्मान मिल रहा है। गरीब आपका 9 दिसंबर होगा, बहुत बड़ा सैलाब 9 दिसंबर को हमारा होगा, बहुत तैयारियां कार्यकर्ता बिना बुलाए जा रहा है, तैयारी अभी कर रहा है कार्यकर्ता, कह रहा है हम जाएंगे, किसी उसका नहीं गया, बहुत जा रहा है, बहुत भयंकर महारैली होगी वहाँ।